हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम जो अपना मनरेगा का पार्ट टू डिस्कस कर रहे थे, उसमें बीच में ही वो लेक्चर स्टॉप हो गया था, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये मनरेगा का पार्ट थ्री यदि हम देखें, तो पार्ट थ्री के अंडर ये हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं। हम क्या देख रहे थे, ग्राम पंचायत की भूमिका देख रहे थे। प्रीवियस जो पार्ट टू था उसमें जो एंड हुआ था, जहाँ से वहीं से हम आगे देख रहे हैं। तो ग्राम पंचायत की भूमिका, तो ये ग्राम पंचायत की भूमिका के तहत में क्या होता है, हम देख रहे थे कि एनुअल रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, ग्राम पंचायत, और जनता के समक्ष फिर रखने का कार्य रहता है। उसके बाद आगे और क्या बताया गया, उसकी भूमिका अवेयरनेस जनरेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन, जागरूकता पैदा करना और सामाजिक लामबंदी मोबिलाइज करना, लोगों को इकट्ठा करना, बताना कि इस तरह से यहाँ पे ये कार्य हो रहे हैं, यहाँ पे ये कार्य है। तो आ करके लोगों को पता ही नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। जब तक जानकारी ही नहीं है जनता को कि अच्छा मनरेगा के तहत में यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, ये कार्यस्थल है, इस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है, तो ये किसका दायित्व है, ये है ग्राम पंचायत का दायित्व है कि लोगों को जागरूक करना है। ठीक, फिर क्या है, कन्वनिंग द ग्राम सभा फॉर प्लानिंग एंड सोशल ऑडिट, योजना और सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए ग्राम सभा का आयोजन। ग्राम सभा का आयोजन कौन कर रहा है, तो ग्राम पंचायत कर रहे हैं, तभी तो जाकर के ये पुष्टि करेंगे, अदरवाइज कौन पुष्टि कर रहा होता है, ग्राम पंचायत, क्योंकि इन्हीं के पास तो सब कुछ होता है। तो ग्राम सभा का आयोजन किसने किया, ग्राम पंचायत ने किया। किस लिए करते हैं, कि जिससे जो भी सामाजिक लेखा परीक्षा का मीनिंग होता है सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं इसी की भूमिका में, मेकिंग अवेलेबल ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द मस्टर रोल, बिल्स, वाउचर, मेजरमेंट बुक्स, कॉपीज ऑफ सेंक्शन ऑर्डर एंड अदर कनेक्टेड बुक्स ऑफ अकाउंट एंड पेपर्स टू द ग्राम सभा फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग सोशल ऑडिटिंग। बार बार हम क्या देख रहे हैं कि सब कुछ कौन सामने रख रहा है, ग्राम पंचायत रख रहे हैं। सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को मस्टर रोल, जैसे कि मैंने बताया अटेंडेंस रजिस्टर, बिल, वाउचर, माप पुस्तिका, स्वीकृति आदेश की प्रतियां और अन्य जुड़े खातों और कागजात सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा। फिर क्या होता है, मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन एट द विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर कौन कौन कार्य कर रहा होता है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्य कर रहे होते हैं। तो कार्यान्वयन की निगरानी कौन करेगा, तो कार्यान्वयन की निगरानी भी कौन करेंगे, ग्राम पंचायत करेंगे। किस स्तर पर, ग्राम स्तर पर। ठीक है, आगे आ जाते हैं, और क्या बताया जा रहा है, तो सक्रिय रूप से खुलासा करना, क्या चीज का खुलासा कर रहे हैं, सनसनी खुलासा, तो क्या खुलासा कर रहे हैं उसको हम देखते हैं। कार्यस्थलों पर पूर्ण और चालू, यानी कि जो पूर्ण हो गए जो कार्य और जो चल रहे हैं वो कार्य, तो मजदूरी भुगतान और सामग्री घटक सहित, जो कार्य पूर्ण हो गए एवं जो कार्य चालू है उनकी मजदूरी भुगतान कितनी हुई है, वहाँ पे सामग्री कितनी आई है और कितनी लाई जा रही है अभी प्रेजेंट में, दोनों कार्यों का विवरण और उन व्यक्तियों का नाम, जैसे जेसी मतलब क्या आता है, जॉब कार्ड, जेसी तो वो जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड नंबरों के साथ में उन व्यक्तियों का नाम जिन्होंने काम किया है, काम किए गए दिन और मजदूरी का भुगतान, खरीदी गई सामग्री की मात्रा कितना, कहाँ पे क्या लगा उसकी मात्रा, कीमत कितने कीमत में आया, प्रत्येक परियोजना के लिए ग्राम पंचायत कार्यालयों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सामग्री की आपूर्ति करने वाले एजेंसी के नाम सहित, यानी कि कौन कौन एजेंसियों से किसने क्या क्या, हमने क्या क्या लाया है, कहाँ से क्या क्या लाया है, सभी एजेंसियों के नाम जो हैं, जैसे कि अब रोड बनाना है तो वहाँ पर कौन कौन सी एजेंसी कार्य कर रही है, तो वो सब के नाम, ये कौन करता है,
प्रोएक्टिवली डिस्क्लोजिंग, अपने से खुलासा करना है। किसे करना है? ग्राम पंचायतों को ये सब करना रहता है। किसे करना रहता है? ग्राम पंचायतों को करना रहता है। प्रोएक्टिवली डिस्क्लोजिंग डिटेल्स ऑफ वर्क्स बोथ कंप्लीटेड एंड ऑनगोइंग इंक्लूडिंग वेज पेड एंड मटेरियल कंपोनेंट एट वर्क साइट्स एंड नेम ऑफ पर्संस विथ जॉब कार्ड नंबर हु हैव वर्क्ड डे वर्क्ड फॉर एंड वेजेस पेड क्वांटिटी प्राइस ऑफ मटेरियल परचेज्ड फॉर ईच प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द नेम ऑफ एजेंसी सप्लाइंग द मटेरियल। कौन कौन वो सामान सामग्री भेज रहा है एट ग्राम पंचायत ऑफिसेस एंड अदर प्रोमिनेंट पब्लिक प्लेसेस। ग्राम पंचायत ऑफिस में भी ये सब पूरी जानकारी उपलब्ध करवाना है, साथ में और भी जहाँ पे जो पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पे भी सार्वजनिक स्थानों में ये सभी जानकारियाँ उपलब्ध करवाने का दायित्व किसका है? ग्राम पंचायतों का ये दायित्व है। ठीक, फिर हम आगे आ जाते हैं। फिर क्या है? प्रोवाइडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन ऑडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स टू सोशल ऑडिट यूनिट, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को योजना नियमों की लेखा परीक्षा में निर्दिष्ट सभी जानकारियां प्रदान करना है। हम बार बार इसको देख चुके हैं। ठीक, फिर ऑर्गेनाइज रोजगार दिवस एट एवरी वार्ड एंड ग्राम पंचायत लेवल एट लीस्ट वंस इन अ मंथ। इन्हें क्या करना है? ग्राम पंचायतों को क्या करना है कि महीने में कम से कम एक बार, कितना? महीने में कम से कम एक बार हर वार्ड में और ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार दिवस आयोजन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रोजगार दिवस कैसे बनते हैं क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, आपको खुद भी पता होगा, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। रोजगार दिवस कौन ऑर्गेनाइज करता है? आंसर क्या बनेगा? ग्राम पंचायत। कब करते हैं? तो वंस इन अ मंथ, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, महीने में कम से कम एक बार। कहाँ करते हैं? हर वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर। केवल देखिए, केवल चार लाइन है और इससे आपके चार क्वेश्चन बन गए, तीन से चार क्वेश्चन यहीं पे क्रिएट हो गए। इस तरह से पढ़िए आप लोग कि एक एक स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन निकलने चाहिए। रोजगार दिवस आपको पता चल गया, ग्राम पंचायत कब? कम से महीने में एक बार। कहाँ? तो हर वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर में। ठीक, आगे आ जाए हम लोग, और क्या बताया जा रहा है? अब ये बताया जा रहा है कि जहाँ कहीं भी वेयर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई, लोकल काउंसिल अथॉरिटीज एज मैंडेटेड बाई द स्टेट कंसर्न्ड विल बी वेस्टेड विद द करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ कहीं भी ग्राम पंचायत नहीं है, जहाँ कहीं भी ग्राम पंचायत ना होने का तात्पर्य क्या होता है कि हमारे संविधान का भाग 9 क्या बोलता है? हमारे संविधान का भाग 9 बोलता है पंचायत। ये हम पॉलिटी की सीरीज में जो हम कर रहे हैं तो आई होप आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, या फिर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाग 9 क्या है। भाग 9 हमारे संविधान का पंचायत बोलता है। अब जहाँ पे पंचायत ही नहीं तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से हो सकती है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन त्रिस्तरीय कहाँ से आ सकता है? नहीं आ सकता। तो उसके लिए ये बताया गया जहाँ कहीं भी संविधान का भाग 9 लागू नहीं होता है तो वहाँ पे क्या करना है? वहाँ संबंधित राज्य द्वारा, वहाँ पे राज्य द्वारा अधिदेशित स्थानीय परिषद प्राधिकरण को संबंधित जिम्मेदारियों के साथ में निहित किया जाएगा। आप ये कार्य करिए। किसके लिए? मनरेगा के तहत में। अब आपको ये कार्य क्यों? क्योंकि ये सब जो कार्य हैं वो तो ग्राम पंचायत के, लेकिन वहाँ पे नहीं है ये व्यवस्था, तो अब राज्य सरकार किसी को क्या कर रही है? ऑथराइज करती हैं। राज्य सरकारें क्या करती हैं? किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हैं कि अब आप लोग ये कार्य करिए। यहाँ पे मनरेगा के तहत में आपका ये दायित्व है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया? ये हमने ओवरऑल हमने मनरेगा को यहाँ पे पार्ट टू और पार्ट थ्री कंबाइन, क्योंकि वो वाला अधूरा रह गया था हमारा पार्ट टू, तो उसको हमने यहाँ पे ये पार्ट थ्री में कंप्लीट किया है। और भी हमारे इसमें और भी टॉपिक्स हैं जिसको हमको कवर अप करना है। हम लोग एक एक करके इसको मनरेगा को ओवरऑल कंप्लीट करेंगे कि किस तरह से ओवरऑल हमको इसको पढ़ना है। आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।